एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को बजट सत्र 2023-24 के बाद 3-4% महंगाई भत्ता वृद्धि का तोहफा मिलने की चर्चाएं जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को 4% डीए के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पहले खबर आई थी कि शीतकालीन सत्र के बाद इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर बस मंजूरी मिलना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38% और राज्य के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। बीते साल सितंबर में केंद्र द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ा जाने के बाद अलग अलग राज्यों में भी दिसंबर से जनवरी के बीच बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका ऐलान ना हो सका। केंद्र की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी कई बार सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि बीते दिनों पेंशनरों के महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की गई।